थ्री का वन। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है इरफान सेज, इरफान कहता है कि he has seven marbles more than five times the marbles permit है। इरफान कहता है कि उसके पास सात मार्बल ज्यादा है, पांच गुना भी अगर कर दो परमिट के मार्बल से, तो यानी परमिट के मार्बल से पांच गुना में सात ज्यादा है इरफान का मार्बल। ठीक है, इरफान के पास जितना भी मार्बल होगा, तो परमिट का मार्बल पहले हम लोग को एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमिट है। ठीक है, लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज। ठीक है, बी एक्स, परमित के पास कितना मार्बल है, तो इसके लिए हम एक्स मान लिए। अब इरफान कह रहा था कि उसका, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ था कि सेवन मार्बल्स मोर देन फाइव टाइम्स द मार्बल परमित है, परमित के पास जितना मार्बल है उसका पांच गुना से सेवन ज्यादा, सेवन मोर, ठीक है, पांच गुना। तो परमित का मार्बल अगर एक्स है, इसका पांच गुना में से सात ज्यादा कर दो, पांच गुना मतलब फाइव एक्स और सात ज्यादा प्लस सेवन। ठीक है, तो इरफान का एज जो सॉरी मार्बल है वो 37 है। ठीक है, हो जाएगा 37। ठीक है, तो इरफान का मार्बल 37 से इक्वल कर दिए। अब ये हो गया हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, बट लिख लो तो ये है तो ज्यादा अच्छा रहता है हम लोग के लिए। अब बस आगे आप सॉल्व कर लो, ये प्लस 7 इक्वल टू इधर जाके माइनस 7 हो जाएगा, तो ये 5x इसको ऐसे रहने देंगे, ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो गया। 5x बराबर 37 में 7 घटा लो कितना हो जाएगा 30। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 30/5 करेंगे, 5 कटे वाला 30, 6 बार में 5 6 जा 30, तो x का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोग, 6 निकाल लिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 को हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग किताब से समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। वो 4 साल बड़े हैं 3 गुना लक्ष्मी के एज से। तो लक्ष्मी का एज अगर हम एक्स मान ले, तो लक्ष्मी का एज का 3 गुना यानी 3x और उसमें से भी 4 ज्यादा यानी 3x प्लस 4 और उसमें जो एज निकल जाएगा वो किसका एज निकलेगा, तो उसके फादर का एज निकल रहा है, तो बराबर 49 कर देंगे। तो लक्ष्मी का एज क्या होगा, तो लक्ष्मी का एज हम एक्स मान लेते हैं, लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स। ठीक है, लक्ष्मीज यहाँ पे कॉमा नीचे एक्स एस। ठीक है, लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स यानी कि 3x और 4 ज्यादा, तो यहाँ पे प्लस 4 करेंगे और इसका जो एज है लक्ष्मी के फादर का वो 49 ईयर्स है, तो बराबर 49 कर दिए। अब ये प्लस 4 इक्वल टू का इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, 3x बराबर 49 माइनस 4। ये 3x को इसको ऐसे रहने देते हैं, 49 में 4 घटा लो, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, 9 में 4 घटा लेंगे 5 हो जाएगा। अब x को x रहने देते हैं, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 45/3 हो जाएगा। काट लो इसको, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15। बस अगर आप लोग काटने नहीं आएगा तो डिवाइड कर लेना। ठीक है, पूरा पूरी ये कट जाता है तो x का वैल्यू 15 निकल जाएगा। तो बच्चों यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। लिखा हुआ है कि पीपुल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदर ग्राम के जो लोग हैं वो विलेज के गार्डन में ट्री प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज। कुछ ट्रीज जो है वो फ्रूट के ट्रीज है यानी फल के ट्रीज है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और जो नॉन फ्रूट ट्रीज है उसका जो नंबर है वे टू मोर देन थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो टू मोर देन यानी जो दो ज्यादा है। ठीक है, टू ज्यादा है
थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी फ्रूट ट्रीज का तीन गुना से टू ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज का नंबर क्या होगा, प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, नॉन फ्रूट ट्रीज अगर 77 हो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रूट ट्रीज नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज एक्स मान लेंगे, फ्रूट ट्रीज कितना है, तो इसके लिए पहले हम एक्स मान लेते हैं, लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ था कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो दो ज्यादा है, टू मोर देन थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ठीक है, थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज का तीन गुना, फ्रूट ट्रीज हम लोग एक्स माने हैं, इसका तीन गुना से दो ज्यादा है। ठीक है, यही लिख रहा था क्वेश्चन में, इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देते हैं। तो नॉन फ्रूट का ट्रीज का जो संख्या है वो 77 है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो आता है ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है, ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को इक्वल किए हैं, एक इक्वेशन बना लिए इससे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आप बस इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस टू इक्वल टू का इधर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो 3x बराबर 77 माइनस टू हो गया, तो ये 3x ऐसे रहने देंगे, इसको घटा लो 7 में 2 गया तो 5 यानी 75, अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 75/3 हो जाएगा, इसको काट लो 3 2 6 3 5 15, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 15, तो ये हम लोग क्या निकल गया नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू 25। ठीक है, या फिर आप इतना भी करके छोड़ दोगे तो आपके आंसर जो होंगे वो पूरे आ जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 नंबर आगे दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व द रिडल, एक रिडल दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूं, मान लेते हैं जो नंबर है अभी दिया नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है नंबर पता नहीं था तो कोई नंबर हम एक्स मान लिए। इसके बाद आगे है टेल मी आइडेंटिटी, ठीक है इसके आइडेंटिटी को बताना है, टेक मी 7 times ओवर, 7 times मतलब इसका 7 गुना, इस नंबर का 7 गुना यानी 7x। ठीक है, इसके बाद है एंड एड ए 50, इसमें एड 50 कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए उसमें 40 और चाहिए, तो 40 को इसमें आप घटा लो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ प्लस 40 भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको घटा लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 7x है, इक्वल टू का साइन दे दो, इसको पहले आप घटा लो, कितना हो जाएगा ये 300 में 40 घटा लो तो 260 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 50 इक्वल टू का इधर आएगा तो ये माइनस 50 हो जाएगा, ये 7x इसको ऐसे उतार लेंगे, अब इसको घटा लो 6 में 5 गया तो ये 2 का 2 ऐसे रहेगा, 0 का 0, तो x बराबर 210, ये 7 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 7 3 21 7 0 0, तो इस तरह से हम लोग का जो नंबर निकल गया वो बच्चों 30 निकल गया। तो इस एक्सरसाइज को भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है।